हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2016 में आई हॉलीवुड हॉरर मूवी लाइट्स आउट की। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.3 आउट ऑफ 10 है और रोटन टमाटो पर 76% रेटिंग है। इस मूवी का बजट था 4.9 मिलियन डॉलर और इस मूवी की कमाई थी 148.9 मिलियन डॉलर। दोस्तों, इस मूवी का डायरेक्शन, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड बहुत ही अच्छे हैं। ये मूवी अंधेरे से इंसानी डर को बहुत अच्छे से दिखाती है और रोशनी होने पर डर कैसे कम हो जाता है उस चीज को भी बिल्कुल सही ढंग से पेश करती है। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि वेल्स टेक्सटाइल्स में जब क्लोजिंग आवर्स होते हैं तो पॉल, जो उस फैक्ट्री का मालिक है, उसे उसका बेटा मार्टिन स्काइप पर वीडियो कॉल करता है। मार्टिन अपने पापा पॉल को बोलता है कि मोम की हालत और भी खराब हो गई है, तो पॉल उसे बोलता है कि तुम्हारी माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। इसके बाद पॉल अपनी एक वर्कर एस्टर को ये बोलता है कि ऑफिस बंद कर दो और सबको घर जाने के लिए बोल दो, मैं कुछ टाइम बाद निकलूंगा। जब एस्टर फाइनल चेकलिस्ट कंप्लीट कर रही होती है तो एकदम से लाइट बंद हो जाती है। फिर एक मोशन सेंसर डिवाइस के सामने वो अपना हाथ हिलाती है, जिस वजह से बैकअप एनर्जी से लाइट्स ऑन हो जाती है। तो हम देखते हैं कि पास ही टंगे कपड़े हिल रहे थे जबकि वहां कोई भी नहीं था। फिर जब वो ऑफिस के एक रूम की लाइट बंद करती है तो उसे एक औरत की काली फिगर दिखाई देती है, लेकिन लाइट जलाने पर वो वहां नहीं दिखती। बार बार चेक करने पर ऐसा ही होता है, अंधेरे में वो फिगर दिखाई देती है और उजाले में कोई भी नहीं होता। जब एकदम से वो फिगर उसके नजदीक आ जाती है तो वो डर के मारे भाग जाती है और आके पॉल को बोलती है कि उसने पीछे कुछ देखा, आप ध्यान से रहना, और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद पॉल जब घर जाने के लिए निकलता है तो उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। जब वो उस तरफ देखने के लिए जाता है तो अंधेरे में एक फिगर बैठी हुई दिखती है। वो सोचता है कि ये एस्टर है, लेकिन फिर जब लाइट बंद हो जाती है तो फिर वो मोशन सेंसर से लाइट जलाता है तो फिगर उसके सामने अंधेरे में आ जाती है। पॉल समझ चुका है कि ये कौन है, कैसे ये मूवी में बाद में रिवील होगा। फिर पॉल वहां से भागता है, लेकिन एक जगह जाकर वो गिर जाता है और हमें पता लगता है कि उसके पैरों पर गहरे कट्स हैं और मिस्टीरियस फिगर उसके सामने है, लेकिन वो फिगर रोशनी में खड़े पॉल के पास नहीं आ सकती। फिर क्या था, पॉल्स भाई साहब भागते हैं अपनी कीज वगैरह वहीं छोड़कर और रूम में जाकर दरवाजा बंद करके लाइट जला लेते हैं और भाई साहब उस फिगर को मारने के लिए बेसबॉल बैट उठा लेते हैं। लाइक सीरियसली यार, तू टॉर्च वगैरह बैकअप के लिए ढूंढ, पर नहीं, रोशनी में वो मिस्टीरियस फिगर नहीं आई, ये देखकर भी बैट ही उठाया पॉल ने। लग रहा है कि अब वो फिगर वहां नहीं आएगी, लेकिन 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 पावर सप्लाई तो बाहर से ही आती है ना लाइट्स की, तो फिर क्या था, पावर सप्लाई कट और डर का माहौल फिर से शुरू। अब उस रूम का दरवाजा खुलता है और नेक्स्ट सीन में पॉल उड़कर पीछे जाता है और लाइट्स आने पर पूरी तरह से चीथड़े हुए डेड बॉडी कहीं दूर ही जाकर गिरती है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि मिस्टीरियस फिगर कौन है, लाइट से इसे इतना फर्क क्यों पड़ता है, और पॉल को इसने क्यों मारा, और एस्टर को क्यों नहीं मारा, डरा कर ही क्यों भगा दिया। फिल्म अब कुछ टाइम में आगे जंप करती है। यहाँ दिखाते हैं एक लड़की को जिसका नाम रिबेका है और वो अपने फ्रेंड ब्रेट को अपने फ्लैट से भेज रही है। तो ब्रेट बोलता है कि मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो रिबेका बोलती है कि नहीं, तुम एक लड़के हो जिसके साथ मेरा संबंध है, और वो उसे रोमांटिक वे में अपने फ्लैट से निकाल देती है। फिर हमें पता लगता है कि रिबेका मार्टिन की हाफ सिस्टर है। हाफ सिस्टर मतलब कि रिबेका और मार्टिन की माँ तो एक है मगर उनके पिता अलग अलग हैं। फिर दिखाते हैं कि उसी रात मार्टिन अपने रूम में होता है तो उसकी माँ किसी से बात कर रही थी। जब डरा डरा मार्टिन अपनी माँ के पास पहुँचता है तो वो बोलती है कि हमने तुम्हें जगा दिया। ये सुनकर मार्टिन डर जाता है क्योंकि उस पूरे घर में मार्टिन और उसकी माँ के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए था। जब मार्टिन अपने रूम में जा रहा होता है तो वो पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखता है तो उसे एक पल के लिए एक काला हाथ दिखाई देता है और वो डर के मारे अपने रूम में चला जाता है और डोर क्लोज करके बेड पर बैठ जाता है। लेकिन फिर उसका डोर लॉक जोर जोर से हिलता है और फिर घर में हर जगह अंधेरा हो जाता है। नेक्स्ट डे मार्टिन के स्कूल में जब मार्टिन की मॉम को कॉल किया जाता है तो वो कॉल नहीं उठाती, तो रिबेका को कॉल करके बुलाया जाता है। यहाँ स्कूल के ऑफिस में रिबेका को एमा मिलती है जो कि चाइल्ड सर्विस से होती है। वो रिबेका से मार्टिन के बारे में पूछती है। यहाँ हमें ये पता लगता है कि एमा को मार्टिन का केस दिया गया था पॉल के गुजर जाने के बाद,
और मार्टिन की माँ डिप्रेशन की दवा लेती है। एमा ये बताती है कि मार्टिन आ स्कूल आते ही सो गया और पिछले हफ्ते में ये तीसरी बार है। फिर रिबेका मार्टिन को लेकर उसके घर चली जाती है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो मार्टिन रिबेका को बोलता है कि मुझे एक रात के लिए अपने घर ले जाओ। तो रिबेका बोलते हैं कि तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ अजीब और डरावने पोस्टर लगे हैं। तो मार्टिन बोलता है कि मुझे सोना है बस। फिर जब रिबेका मार्टिन से पूछती है कि मॉम लोगों से मिलती है तो मार्टिन बोलता है कि कोई उनसे मिलने आता तो है, उसका नाम डायना है। यह सुनकर रिबेका शॉक्ड हो जाती है। रिबेका मार्टिन को बोलती है कि मैं समझती हूँ जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये सब मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन वो सिर्फ एक सपना है और उससे डरने की जरूरत नहीं। फिर मार्टिन अपने रूम में जाकर सामान पैक करना शुरू कर देता है और जब वो अपनी मॉम के रूम के बाहर पहुंचता है तो उसे दरवाजे पर एक परछाई दिखाई देती है और वो वहां से भाग जाता है। इसी बीच रिबेका अपनी मॉम से मार्टिन के बारे में बात करती है। रिबेका की मॉम डिप्रेशन की शिकार है। रिबेका अपनी माँ से बोलती है कि जब तक आपका पागलपन ठीक नहीं हो जाता मार्टिन मेरे साथ ही रहेगा, और वो मार्टिन को अपने साथ ले जाती है। पीछे उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। अब घर पहुंचने पर ब्रेट बोलता है कि तुम्हें अपनी माँ को इस तरह हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो रिबेका उसे अपने घर से जाने के लिए कह देती है। रात में खाने के टेबल पर मार्टिन रिबेका से पूछता है कि अगर मॉम पागल है तो क्या हम भी पागल हुए। तो रिबेका मना करती है। इसके बाद रात में सोते टाइम अचानक रिबेका को कुछ आवाज आती है। जब वो उठती है तो लाइट नहीं होती। फिर वो देखती है कि रूम के बाहर हॉल में जमीन पर कोई बैठा है, तो वो सोचती है कि ये मार्टिन है। रिबेका के रूम के बाहर एक लाइट बोर्ड होता है जिसकी लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी। उस फ्लक्चुएशन की वजह से रूम में कभी कभी रोशनी होती थी और कभी अंधेरा। तो रिबेका देखती है कि जब लाइट होती है तो वो फिगर गायब हो जाती है और जब अंधेरा होता है तो फिगर वापस आ जाती है, और वो फिगर फर्श को खरोंच रही थी। फिर अंधेरा होते ही वो फिगर रिबेका पर अटैक कर देती है, लेकिन अचानक ही लाइट आ जाने के कारण वो फिगर फिर से गायब हो जाती है। रिबेका भाग कर रूम की लाइट ऑन कर देती है और इस तरह से उसकी जान बचती है। अब ये सवाल उठता है कि मार्टिन कहाँ है। तो वो देखती है कि मार्टिन बाथरूम के बाथटब में सोया था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एमा रिबेका के रूम पर आती है। वो रिबेका को बोलती है कि तुम मार्टिन को अपनी माँ से अलग नहीं कर सकती, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम्हें उस पर केस करना होगा, और ऐसा करना बहुत मुश्किल भरा होगा, और इसके साथ तुम्हें खुद को भी एक जिम्मेदार गार्जियन साबित करना होगा। इसके बाद एमा मार्टिन को वहां से ले जाती है, मगर मार्टिन जाते हुए कहता है कि टेंशन मत लो, मैं अच्छे से सोया, मैं आज रात संभाल लूंगा। और जब रिबेका अपने बेडरूम की तरफ जाती है तो वो देखती है कि फर्श पर कल रात उस फिगर ने लिखा डायना, और मूवी फ्लैशबैक में यहाँ हम देखते हैं कि जब रिबेका छोटी थी तो उसके साथ भी वही हो रहा था जो अब मार्टिन के साथ हो रहा है, और डायना ने उसकी एक पेंटिंग में उसके पापा को मिटाकर खुद को स्केच किया था। अब रिबेका ब्रेट को मैसेज करती है, और जब ब्रेट वहां आता है तो वो रिबेका से नाराज है क्योंकि रात में रिबेका ने ब्रेट को अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन रिबेका उसे किस करती है और वो पिघल जाता है। रिबेका ने ब्रेट को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो अपनी माँ के घर जाना चाहती थी ताकि वो डायना के बारे में पता लगा सके। अब तक वो सोचती थी कि डायना सिर्फ एक सपना है, लेकिन अब वो उसके बारे में पता लगाना चाहती है। जब वो घर पहुंचती है तो वहां उसकी माँ सोफी नहीं होती, तो घर की चाबी जो छुपी हुई थी वो लेकर रिबेका अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो पॉल के ऑफिस में पहुंचती है। वहां उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जिसके पीछे लिखा होता है सोफी एंड डायना। उसे एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है जिसमें एक डॉक्टर की आवाज होती है। यहाँ हमें यह पता लगता है कि डायना को स्किन की एक बीमारी है जो कि रोशनी में आते ही अजीब बिहेव करती है। मेंटल हॉस्पिटल में डायना काफी अग्रेसिव है, लेकिन उसका एक साथी पेशेंट जिसका नाम सोफी है उसके साथ उसका लगाव हो गया है। फिर एक दिन एक्सपेरिमेंट करते हुए डायना की मौत हो जाती है। इसके बाद रिबेका अपने पुराने रूम में जाती है। वहां उसे अपनी वही ड्राइंग मिलती है जो कि डायना ने खराब की थी। फिर अचानक से उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। इस रूम में लाइट बल्ब नहीं है। डायना की आवाज आती है कि सोफी को मेरे से अलग करने की कोशिश मत करना, और रिबेका को डायना गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा देती है और मदद के लिए ब्रेट का नाम चिल्लाती है, और ब्रेट के आते ही रूम में रोशनी हो जाती है और डायना गायब।
फिर रेबेका रोते हुए वहां से सारे सबूत लेकर चली जाती है। अब जब सोफी अपने बेटे के साथ शॉपिंग करके वापस आती है तो वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाई, लेकिन अब मैं देना चाहती हूँ, क्यों ना आज रात मूवी देखें। मार्टिन हाँ करता है तो सोफी बोलती है कि हम तीनों को साथ वक्त बिताने की जरूरत है। हम तीनों को सुनकर मार्टिन डर जाता है और वो बोलता है कि क्यों ना हम दोनों ही फिल्म देखें। अब जब वो दोनों फिल्म देख रहे होते हैं तो वो दोनों माँ बेटे बात करते हैं और बातों ही बातों में मार्टिन बोल देता है कि कभी कभी हिम्मत दिखाने के लिए हमको डर का सामना करना पड़ता है। ये सुनकर सोफी उससे बोलती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी आई, और वो लाइट बंद कर देती है। और ये देखकर मार्टिन बहुत डर जाता है। वो उसे बोलता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, लेकिन सोफी नहीं मानती और उसको बोलने लगती है कि बहुत साल पहले मेरी एक फ्रेंड थी जो बहुत अलग थी, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया और लोगों ने कहा कि वो मर गई, लेकिन अब वो वापिस आ गई है, अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी, बस तुम्हें लाइट्स बंद रखनी है और मुझे दवाइयां नहीं खानी। तभी हम देखते हैं कि डायना सोफे पर मार्टिन के पास बैठी होती है और वो बच्चा मार्टिन डर जाता है। फिर वो भागकर लैंप जलाने की कोशिश करता है तो उसका बल्ब गायब था। ये देखकर डायना उस पर हमला करने के लिए जाती है, मगर सोफी बीच में आ जाती है और डायना सोफी को ही गिरा देती है और मार्टिन रूम की मेन लाइट जला देता है। फिर मार्टिन वहां से भाग जाता है और वो भाग कर रेबेका के रूम में पहुंच जाता है और बोलता है कि बात बिगड़ती जा रही है। फिर ब्रेट को रेबेका खाने का सामान लेने बाहर भेज देती है और यहाँ पर रेबेका मार्टिन के सामने रिवील करती है कि डायना आखिर कौन है, जो उसे पोल की रिसर्च से पता लगा था। जब डायना 13 साल की थी तो वो एक बेसमेंट में मिली थी जहाँ उसे कैद कर लिया गया था। उसके पिता ने खुदकुशी कर ली थी। डायना को स्किन की अजीब बीमारी थी, लोगों ने कहा कि उसमें शैतान है और वो लोगों के दिमाग में घुसकर उन्हें बदलती थी। उसे मलवरी हिल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में लाया गया था जहां उसे मोम मिली। वहां उसने सोफी के दिमाग पर काबू पा लिया और उनकी माँ को ये लगने लगा कि डायना उसकी दोस्त है। उस हॉस्पिटल में उस पर एक्सपेरिमेंट हुए और वो मर गई। जब भी सोफी की हालत ठीक नहीं होती तब डायना आती है। तभी रूम का दरवाजा नॉक होता है और रेबेका को लगता है कि ब्रेट आया है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो कोई भी वहां नहीं होता। और इसके बाद उसे अपनी अलमीरा से आवाज आती है। जब वो लाइट जलाकर चेक करती है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन तभी मार्टिन को डायना बेड के नीचे खींच लेती है और रेबेका खींचकर बहुत मुश्किल से उसे बचाती है। फिर वो मार्टिन और बेड को लेकर अपने माँ के पास जाती है। यहाँ वो अपनी माँ से डायना के बारे में पूछती है। उसकी माँ बोलती है कि डायना को उसने पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब वो अपनी दोस्त को नहीं छोड़ेगी। तब रेबेका बोलती है कि आप जिसे अपनी दोस्त कह रही हैं वो मर चुकी है। तो सोफी बोलती है कि भूत प्रेत नहीं होते और वो वहां से चली जाती है। फिर रेबेका मार्टिन को बोलती है कि तुम चाहो तो आज रात मेरे घर पर सो सकते हो। तो मार्टिन बोलता है कि वो हमारी मॉम है, इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है। फिर रेबेका बोलती है कि यहाँ तुम सेफ नहीं हो। तो मार्टिन जवाब देता है कि सेफ तो हम कहीं भी नहीं है। फिर रेबेका भी वहीं रहने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो वहां रहने के लिए तैयारी करते हैं। फिर मार्टिन रेबेका को बोलता है कि आज रात तुम मेरे साथ ही सोना, ब्रेट भी आज रात वहीं सोने वाला है क्योंकि वो रेबेका से प्यार करता है। रेबेका अपनी माँ के रूम के सामने जाती है और उसे बोलती है कि आज रात वो यहीं सोएगी। ये सुनकर सोफी बाहर आती है और फिर रेबेका उसे अपने पिता के बारे में पूछती है। तो सोफी बोलती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। और जब रेबेका वहां से जाने लगती है तो सोफी धीरे से उसके हाथ में एक पर्ची देती है और फिर कोई उसके कपड़े को खींचता है तो वो अंदर चली जाती है। जब रेबेका उस पर्ची को देखती है तो उस पर लिखा होता है आई नीड हेल्प, और फिर वो सोफी की दवाइयां ढूंढती है तो उसे वो नहीं मिलती। इसके बाद वो मार्टिन के पास आ जाती है। जब मार्टिन सो जाता है तो सारे घर की लाइट चली जाती है। रेबेका फिर एक टॉर्च लेकर बेसमेंट में इलेक्ट्रिसिटी देखने जाती है, लेकिन उसकी टॉर्च ऐसी होती है कि जो हाथ से घुमाकर चार्ज करनी पड़ती है और वो कभी भी बंद हो जाती है। फिर मार्टिन भी उठकर रेबेका को ढूंढने जाता है। यहाँ पर डायना उस पर हमला कर देती है, लेकिन मार्टिन के हाथ में कैंडल होती है तो वो बच जाता है। फिर वो नीचे रेबेका के पास आता है, लेकिन तभी डायना उन दोनों को वहीं बंद कर देती है। जब वो दोनों चिल्लाने लगते हैं तो ब्रेट उनकी आवाज सुनकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उसके पास टॉर्च है, लेकिन वो अंधेरे में खड़ी हुई डायना को नहीं देखता क्योंकि वो उसे रोशनी में देखता है जब वो नहीं दिखती, और डायना उस पर हमला कर देती है। ब्रेट अपने फोन की लाइट यूज करता है, लेकिन जब लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है तो डायना उसका फोन तोड़ देती है और वो वहां से जान बचाकर भाग जाता है।
डायना उस पर रास्ते में फिर से हमला करती है, लेकिन वो गाड़ी की लाइट ऑन करके अपनी जान बचाता है और ब्रेट वहां से गाड़ी में बैठकर चला जाता है। अब सोफी को पता लगता है कि उसके बच्चे खतरे में हैं, तो वो डायना को बोलती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो। फिर डायना सोफी के दिमाग पर हावी हो जाती है। जब सोफी मेडिसिन लेने की कोशिश करती है तो डायना उस पर हमला करके उसे गिरा देती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद रेबेका लाइट सोर्स के लिए कागज जलाने लगती है और मार्टिन को कागज ढूंढते टाइम एक फ्लैश लाइट मिलती है। ये ब्लैक लाइट होती है जिसमें अभी भी बैटरी होती है। इस लाइट में उसे बहुत कुछ दिखता है जो नॉर्मल लाइट में नहीं दिखाई देता। अब जब रेबेका वहां पड़े स्टैचूस को देख रही होती है तो वहां पर उसे डायना दिखाई देती है और पहली बार डायना की शक्ल दिखती है। इस लाइट में डायना गायब नहीं होती और वो रेबेका पर अटैक कर देती है, तो उसकी चीख सुनकर मार्टिन वहां आ जाता है और डायना पर लाइट मारकर रेबेका को बचाता है। डायना उनकी जलाई हुई आग को बुझा देती है, लेकिन तभी ब्रेट पुलिस लेकर आ जाता है। एलएपीडी के दो ऑफिसर वहां आकर मार्टिन और रेबेका को वहां से निकालते हैं और डायना दोनों ऑफिसर्स को मार देती है। जब मार्टिन और रेबेका दोनों वहां से जा सकते थे तो मार्टिन बोलता है कि हमें मोम को नहीं छोड़ना है। फिर रेबेका अकेले ही अपनी मोम को लेने जाती है, लेकिन उसे डायना की आवाज आती है और हमें पता लगता है कि डायना ने रेबेका के पापा को मारा था और वो अब तक ये सोच रही थी कि उसके पापा उसे छोड़कर चले गए। इसके बाद डायना रेबेका पर हमला कर देती है। इसके बाद पीछे से सोफी आ जाती है और वो बोलती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो। रेबेका अपनी माँ को बोलती है कि इसने डैड को मारा। ये सुनकर सोफी खुद को गोली मार देती है और डायना वहां से रोशनी में गायब हो जाती है और ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी काफी डरावनी थी, कई ऐसे सीन थे जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। खैर, अब इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले कि डायना कौन है, तो उसका जवाब है कि डायना एक ऐसी लड़की थी जो बचपन से ही अजीब थी। उसे स्किन की प्रॉब्लम थी और लाइट्स में उसे प्रॉब्लम होती थी। वो लोगों के दिमाग में घुसकर उन पर काबू पा सकती थी। जब वो मिली थी तो वो 13 साल की एक बच्ची थी और एक तहखाने में बंद थी। उसने अपने पिता के दिमाग पर काबू पाकर उनसे खुदकुशी करवाई थी। जब उसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया था, उसने छोटी सोफी के दिमाग पर कब्जा कर लिया और मेंटल हॉस्पिटल में बंद सोफी की ये सोचने लगी कि डायना उसकी दोस्त है। लेकिन सोफी के उस हॉस्पिटल से निकलने के बाद वहां के डॉक्टर्स ने डायना पर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट पर उस पर बहुत तेज रोशनी डाली गई और इस रोशनी की वजह से वो एकदम से जलकर राख में बदल गई और मर गई। लेकिन वो सोफी के दिमाग से जुड़ी हुई थी, इसीलिए जब काफी सालों के बाद रेबेका जब छोटी थी तब सोफी को फिर से डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई तो डायना फिर से वापिस आ गई और वापिस आकर उसने रेबेका के पापा को मार दिया ताकि सोफी हमेशा उसके साथ ही रहे। डायना तभी आती थी जब सोफी का माइंड ठीक नहीं होता था। अब दूसरा क्वेश्चन कि डायना ने स्टार्टिंग में एस्टर को क्यों नहीं मारा और पॉल को क्यों मारा, तो इसका जवाब है कि एस्टर ने डायना को सोफी से अलग करने की कोशिश नहीं की थी, इसीलिए उसने एस्टर को डरा कर वहां से भगा दिया। डायना ने पॉल को इसीलिए मारा क्योंकि उसे डायना के बारे में पता था और वो सोफी का इलाज करवा रहा था, यानी कि डायना और सोफी को अलग करना चाहता था। तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि डायना मार्टिन और रेबेका पर क्यों हमला करती है जबकि वो सोफी के बच्चे हैं? तो इसका आंसर ये हो सकता है कि मार्टिन हर बार उसके सामने आने पर लाइट ऑन कर देता था डर के मारे और डायना को ये पसंद नहीं। इस थ्योरी का रीजन ये है कि जब मूवी देखते हुए डायना आती है तो वो हल्के हाथों से मार्टिन के बाल छूती है, लेकिन जब मार्टिन डर के मारे लाइट जलाने की कोशिश करता है तो वो उस पर हमला कर देती है। डायना ने रेबेका पर हमला इसीलिए किया क्योंकि रेबेका मार्टिन को अपने साथ ले गई थी, जिस वजह से सोफी रोती है, और सोफी के रोने की वजह से ही डायना ने रेबेका पर हमला किया। उसने ब्रेट एंड दोनों ऑफिसर पर इसीलिए हमला किया क्योंकि उन्होंने नीचे बंद मार्टिन और रेबेका को बाहर निकालने की कोशिश की थी। दोनों ऑफिसर इसीलिए मारे जाते हैं क्योंकि उन्हें सच में नहीं पता था कि उनका पाला किस चीज से पड़ा है और वो उसे आम अटैकर की तरह ही समझ रहे थे। एक और क्वेश्चन उठता है कि जब डायना लाइट में गायब हो जाती है तो वो रेबेका के घर कैसे जाती है, तो इसका जवाब शायद ये है कि डायना लाइट में गायब तो होती है लेकिन गायब होने के बाद रोशनी उसे कुछ नहीं कर पाती और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। फाइनल क्वेश्चन कि सोफी ने सुसाइड क्यों किया, तो इसका जवाब है कि डायना सोफी की माइंड की वजह से ही इस दुनिया में है।
इसका प्रूफ तब मिलता है जब सोफी के दवाइयां छोड़ने पर ही डायना वापस आई थी और वो सोफी पर हमला कर देती है जब वो डिप्रेशन की मेडिसिन खाने लगती है। तो दोस्तों ये थी लाइट्स आउट की पूरी कहानी और इससे जुड़ी हुई थ्योरीज। ये मूवी बेस्ड है डेविड सैंडबर्ग की शॉर्ट मूवी जिसका नाम भी लाइट्स आउट था और ये शॉर्ट मूवी 3 मिनट की थी जो इंटरनेट पर वायरल हो गई थी 2013 में। इसीलिए उन्होंने इस पर एक फुल मूवी बनाई। दोस्तों अगर आपके मन में इस मूवी के बारे में अभी भी कोई सवाल है या फिर आप भी इस मूवी के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।